ट्रांजिस्टर एज ए ऑडियो सिग्नल ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर इमीटर 2 किलो इज, देखो ये कहता है फिर से कॉमन इमीटर एम्पलीफायर बना लो एंड ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस, कलेक्टर रेजिस्टेंस 2 वोल्ट है। अब वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस एक बार हम बना लेते हैं, ये कितनी बार बना चुके हैं हम लोग, और ये यहाँ से लोड रेजिस्टेंस और ये प्लस माइनस ये वाला चीज़, और यहाँ से बेस रेजिस्टेंस IB और ये फॉरवर्ड बायस में होता है, ये कनेक्शन आप जानते होंगे। यहाँ से IC आती है और ये IE जाती है और यहाँ से IB आती है। तो ये क्या कह रहा है कि ये प्लस और ये माइनस, ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू दी हुई है कलेक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है, ये ऑलरेडी ऐसा दिया हुआ बता रहा है। इफ़ द बेस रेजिस्टेंस 1, ये जो बेस रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम है, ये IB इनपुट वाली, एंड करंट एम्पलीफिकेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर, करंट एम्पलीफिकेशन बीटा जो है वो 100 दिया हुआ। कहता है इनपुट वोल्टेज, यहाँ से जो वोल्टेज लगाया गया, भी इनपुट, वो यहाँ से जो वोल्टेज अप्लाई किया गया उस वोल्टेज की कैलकुलेशन हमें करनी है यार। तो चलो ये जो है ये एक्चुअली जो ये 2 वोल्ट है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, ये आउटपुट वोल्टेज है। तो हमें अगर सिंपल सी बात है, देखो यार इनपुट वोल्टेज निकालना है तो अगर मैं इसको निकालने के लिए क्या लॉजिक लगाऊं भाई, क्या पूछा, जो पूछा वही निकाल लो पहले। इनपुट वोल्टेज हमें निकालना है तो जो वोल्टेज गेन है या आउटपुट वोल्टेज है, दैट इज़ करेंट गेन और मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस गेन। करेंट गेन को हम किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों, बीटा से। रेजिस्टेंस गेन आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई इनपुट रेजिस्टेंस। तो करेंट गेन बीटा कितना है, तो करेंट गेन बीटा देख लो यहाँ पर बीटा 100 है और रेजिस्टेंस गेन क्या होता है आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है यार 2 किलो है और 2 और किलो ने किलो को खा गया, तो यह आ जाएगा 200 टाइम्स दैट इज वोल्टेज गेन या आउटपुट। वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज नहीं है, गलत लिख दिया मैं यहाँ से, हाँ सिंपली वोल्टेज गेन दैट इज VG नॉट आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज इज 2, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज इज 2, तो वोल्टेज गेन कितना टाइम्स इनपुट वोल्टेज एम्पलीफाई हो गया है वो वाला चीज़ है। वोल्टेज गेन क्या है, इनपुट लगाए थे बहुत कम, आउटपुट बहुत ज़्यादा मिला तो वो 200 टाइम्स मिल गया। चलो अब हमें कहता है कि इनपुट वोल्टेज हमें निकालना है, तो इनपुट वोल्टेज निकालने के लिए वोल्टेज गेन को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई इनपुट वोल्टेज। हमें चाहिए इनपुट वोल्टेज, तो VI कैसे हैं, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज क्या है, तो आउटपुट वोल्टेज है ये 2 वोल्ट, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज है, तो आउटपुट वोल्टेज कितना है 2, और वोल्टेज गेन कितना बोलो इधर 200 है, तो 2 ने 2 को ख़त्म कर दिया और ये मिली वोल्ट में दिया, तो एक जीरो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा 10 × 10⁻³ वोल्ट, मतलब यह आ जाएगा 10 मिली वोल्ट। तो दिस इज़ द इनपुट वोल्टेज, आपने लगाया था 10 मिली वोल्ट, आपको मिला कितना 2 वोल्ट, मतलब वोल्टेज एम्पलीफाई हो गया, दैट इज डी ऑप्शन सही है। तो यही तो एम्पलीफायर का काम होता है।